पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। जिनके आंखों में आंसू और उनके सर झुके हुए हैं, बाबा बाबा, आपकी राधा ने कभी भी कुछ ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से आपका सर झुके, आपको रोना पड़े। आज ना ही आप और ना ही दादी किसी के सामने हाथ जोड़ेंगे और ना सर झुकाएंगे। राधा रानी, तुम जैसी बेटी हो तो सर झुकाना ही पड़ता है। बड़ी बड़ी बात करने से पहले एक बार याद कर लिया होता कि तुम्हारी तस्वीर छपी है अखबार में। और तुम्हें ही गोद में उठाए मोहन ने मंदिर की सीढ़ियां चढ़ी है। आप ही बताइए, कौन अपने घर की बहू को पराए मर्द की गोद में उठाए देखना पसंद करेगा? को यही तस्वीर अखबार में छप गई तो कौन समझाएगा समाज को? हाँ, न समाज ने हमें जन्म दिया है और ना ही समाज ने हमें पाला है माजी, और ना ही हमारे माँ के गुजर जाने के बाद हमारे आंसू पोंछे। अब अगर हमारी बातों पर आपको विश्वास नहीं है तो आप रिश्ता तोड़ दीजिए। लेकिन राधा बार बार अग्नि परीक्षा नहीं देगी। ये क्या बकवास कर रही है? माँ जी, जहां विश्वास होता है ना, रिश्ते वही हो सकते। और अगर आप हमें पूरे आदर सत्कार के साथ अपनी बहू बनाकर ले जाएंगे तो हम भी बहू बनकर नहीं, आपकी बेटी बनकर आपके साथ रहेंगे। पर नहीं तो आप ये रिश्ता यही तोड़ दीजिए। हर कोई मनाई किए जा रहा है। अब निर्णय आपका है हृदय जी, आप क्या फैसला लेना चाहेंगे? राधा जैसी लड़कियां अपने मां बाप का अभिमान होती हैं। और ससुराल की शान,
हमारी राधा खरा सोना है, अब ये आप पर है कि आप उसे कैसे परखते हैं। कहाँ जा रहे हो मोहन? माँ राधा को मेरी जरूरत है। जी राधा जी। राधा जी, हमें बहुत खुशी हुई आपने कम से कम हमारा फोन तो उठाया। देखिए, हमने जो कुछ भी कहा जलन में कहा, हमें उसके लिए आपसे माफी मांगनी है। ये तो बस हो गया ना। ऐसे नहीं, हमें आपसे मिलके माफी मांगनी है। आप आउट हाउस आ सकती हैं अभी? अभी? हृदय जी, हम तो प्लीज मना मत कीजिए राधा जी। हमें वैसे भी अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी है। देखिए, अगर आप नहीं आई ना तो हमें लगेगा कि आप नाराज हैं। ठीक है, आते हैं। धन्यवाद राधा जी। चोरी की वजह से जेल में सड़ रहा था पिछले 6 महीनों से। अब अगर हमारी बातों पर आपको विश्वास नहीं है तो आप रिश्ता तोड़ दीजिए। राधा जी, हमें आज के लिए माफ कर दीजिए। वो क्या है ना, दरअसल जब हमने आपको मोहन जी की बाहों में देखा, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हमें थोड़ी सी जलन हुई, क्योंकि क्या है ना, शादी तो हमारी होने वाली है, तो हमें लगता है हक भी हमारा ही है। पर राधा जी, हम आपको बहुत पसंद करते हैं। कभी भी किसी को कुछ कहने से, कुछ करने से आप रोकती नहीं। अब कोई पागल ही होगा ना जो आप जैसी इंसान को इतनी आसानी से जाने देगा। आप जानना चाहती है ना, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हो रहा था। हे भगवान, ये बत्ती को क्या हो गया? अब बनाना असली माहौल सुहाग रात वाला। घबराइए मत, मौसम खराब होता है तो अक्सर लाइट चली जाती है। अगर आपको डर लग रहा है तो आप हमारे पास भी आ सकती हैं। घबराइए मत। हृदय जी, एक मिनट, हृदय जी छोड़िए ना, छोड़िए हमें, हृदय जी छोड़िए हमें, क्या कर रहे हैं आप? हृदय जी छोड़िए हमें, हृदय जी। अब तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। Thank you.
काकी जी, हम तो पहले दिन से ही राधा जी से शादी करना चाहते थे। जब से हमें उन्हें देखा है, बस तो अब तय रहा, जब लड़का लड़की शादी करने के लिए तैयार हैं, तो शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। कल ही राधा और हृदय की सगाई की जाएगी। परसों मेहंदी और उसके एक दिन बाद शादी। और शादी के बाद इसी घर से राधा की विदाई होगी। दादी, ये तो बैड बॉय। राधा की शादी रीति से मत करो। जवाई जी। जी सासू माँ। गुनगुन को अपने कमरे में ले जाइए। चल बेटा चल। जाओ। चल बेटा। नहीं, मुझे नहीं जाना। गुनगुन, चल। माँ जी, लता जी, अगर आप लोगों को एतराज ना हो तो कल से रस्में शुरू कर दी जाए। हमें एतराज हो या ना हो, आपके बेटे को जरूर है। ये शादी नहीं होने देगा। लता जी, उसकी फिक्र आप मत कीजिए। मोहन हमारी जिम्मेदारी। जेल जाने के बाद को लेके, कभी सिगरेट की बात पर, और आज तो तुमने हद ही कर दी मोहन। क्या जरूरत थी बिना सोचे समझे उस पर हाथ उठाने की? इस सबसे तो बस यही पता लगता है ना कि तुम नहीं चाहते कि राधा की शादी हो। ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर कैसा है मोहन, हमारी शादी होने वाली, लेकिन ऐसा लगता है कि इस शादी में सिर्फ मैं ही इन्वॉल्व हूँ। तुम मेरे साथ होने की जगह राधा के साथ हो, और मैं मानती हूँ कि मैं ओपन माइंडेड हूँ, लेकिन इतना भी नहीं कि इन सारी चीजों से मुझे कोई फर्क ही ना पड़े। मेरे लिए ना सही, पर कम से कम माँ की कसम का मान रख लो। प्लीज मोहन, ये शादी होने दो। मोहन, अपने आसपास देखो, मैं 12 साल से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। प्लीज मुझसे और इंतजार मत करो। मैं सब क्यों बोल रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ ना। नहीं मोहन, नहीं हो तुम मेरे साथ, नहीं हो। राधा की एंगेजमेंट होने वाली है और तुम यहाँ आराम से बैठे हुए हो, तो क्या राधा की एंगेजमेंट हो जाएगी और हम कुछ नहीं कर पाएंगे? तुम चीटर हो। पार्टनरशिप ओवर। मुझे पता था तुम यही करोगे, तुम्हें मेरे सैड होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क नहीं पड़ता, बहुत फर्क पड़ता है मुझे, लेकिन अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ,
अगर तुम्हारी माँ तुम्हें कसम देती तो क्या तुम उसे तोड़ देती क्या? मेरी तो कोई मम्मी नहीं है, मेरे पास तो सिर्फ रथ है। मैं नहीं जानती दूंगी उसे। दादी हृदय बैड बॉय, राधा की शादी उससे मत करो। गुनगुन आजा मेरे पास बैठो बच्चा। हृदय बैड बॉय नहीं गुड बॉय है, वो हमारी राधा को बहुत हैप्पी रखेगा। और राधा तो यहाँ पे भी हैप्पी है, तो शादी करने की क्या जरूरत है? बेटा शादी तो दुनिया का दस्तूर है, तुम्हें पता है सबसे पहले सगाई होती है। सगाई में एक लड़का और लड़की एक दूसरे को अंगूठियां पहनाते हैं और जिंदगी भर एक दूसरे के साथ रहने का प्रॉमिस करते हैं और फिर शादी। तो मतलब रिंग पहनाने से साथ रहने का प्रॉमिस पक्का हो जाता है? बिल्कुल, तुम्हें पता है लड़का लड़की एक दूसरे को इसी उंगली में क्यों पहनाते हैं रिंग? क्योंकि इस उंगली की नस सीधे हमारे हार्ट यानी कि हमारे दिल को कनेक्ट होती है। तो जब आप उंगली में अंगूठी पहनाते हैं मतलब आपका रिश्ता दिल से जुड़ जाता है और फिर वो शादी कोई नहीं तोड़ सकता। मोहन जी आप खिड़की पर यहाँ क्या कर रहे? गिर जाएंगे हाथ दीजिए। अरे उड़कर थोड़ी आया जो गिर जाऊंगा। क्या क्या देख रही हो? अच्छा और आप यहाँ क्या कर रहे हैं मोहन जी? खिड़की साफ करने आया था, देखो कितनी अच्छी सफाई की है। नहीं नाइस। नहीं नहीं मोहन जी आप हटिए, हम करते हैं, हम कर लेंगे। वो ज्यादा दिमाग आता, तुमसे मिलने आया हूँ मैं। तो दरवाजे से आ जाते ना, ऐसे चोरों की तरह खिड़की से क्यों आया आप? अरे अरे मोहन जी, दरवाजे से आता तो चोर पकड़ा जाता नहीं। और छोटी काकी जी की कसम? अरे कसम तो फंक्शन में ना आने के लिए ली थी ना, कमरे में तो आ ही सकता हूँ। ये गुंगुन है ना बहुत दिमाग चलता है, उसे ना लॉयर ही बनाओ, अच्छे लूप होल्स निकाल लेती है। अरे यार हाथ दो वरना गिर जाऊंगा मैं, और मैं गिर गया ना तो फंक्शन तुम्हारी जगह मेरा नाम का होगा। अरे नहीं बाके बिहारी जी कैसी बातें करते हैं आप? राधा जी यहाँ है, यहाँ क्यों मिलने बुलाएंगी वो हमें? हाँ तो क्या सबके सामने मिलेगी? टीवी नहीं देखते? दूल्हा दुल्हन शादी से पहले नहीं मिलते? वो क्या होता है अपशगुन होता है। पर हमारी शादी थोड़ी ना है, आज हमारी सगाई है। लेकिन रिश्ता तो बन रहा है ना। ये राधा सगाई से मना करने के लिए तो नहीं बुला रही? अगर इसने मन बदल दिया तो दामिनी मेरे चेहरे का नक्शा बदल देगी। क्या सोच रहे हो? छोटी सास हुआ मतलब पक्का राधा जी नहीं मिलने बुलाया ना हमें यहाँ पे? यार तुम इतने क्वेश्चन क्यों पूछते हो? नहीं हाँ हम तो ऐसे ही पूछ रहे थे कि मतलब यहाँ कैसे राधा हृदय तुमसे नहीं मिलना चाहता। हैप्पी फिर बाद में मत कहना कि मैंने तुम दोनों की हेल्प नहीं करी। अरे नहीं राधा जी हम आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए। हाँ जाओ जाओ। इस चुहिया को मैं छोड़ूंगा नहीं, इसने गलत पंगा ले लिया, इसे रास्ते से हटाना ही होगा। गुनगुन ये मोहना राधा के चक्कर में किसी दिन पक्का अपनी हड्डियां तोड़वाएगा, जवानी में तो कभी ये सब नहीं किया और अब देखो ठाजर में ना फिर रहा है। वही तो शेखर भैया, प्यार तो मोहन ने मुझसे भी किया था लेकिन मुझसे कभी खिड़की से ऐसे कूद कर मिलने नहीं आए। राधा के लिए तो ये भी कर लिया। मिलाया राधा से? नहीं हाँ एक्चुअली वो क्या है कि वो गुनगुन 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 बता रही थी मुझे कि राधा मुझसे मिलना चाह रही है ना। मेरे बारे में बात भी मत करो, अब हम पार्टनर्स नहीं, स्टे अवे।
हंसी क्यों? अबे तू क्या दांत दिखा के हंस रहा है? और तू इतना सज धज के क्यों है? अरे मैं तो इनवाइटेड हूँ सगाई में, वो तो तेरे चक्कर में यहाँ खड़ा हूँ मैं। ताने मार रहा है, मेरे वजह से यहाँ पर खड़ा है, मेरी वजह से तो ऊपर भी खड़ा रहेगा, तू चल मेरे साथ। अरे दुलारी अच्छे से लगाओ, पूरा घर चौचक लगना चाहिए एकदम। नहीं हो रहा है तो हम करें क्या? हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? हम कर रहे हैं ना जीजा जी, अच्छे से पूरा घर सजा देंगे। आखिरकार आप सबकी चाहिए थी, हमारा मतलब है कि हम सबकी चाहिए थी राधा की सगाई हो रही है। अरे भाई अच्छे से लाइटें वाइटें लगाओ, झूमर जलाओ, झूमर नहीं जलेगा तो घूमर कैसे होगा? माँ जी ये लीजिए, हृदय और लता जी के लिए तोहफे। इतना सब करने की क्या जरूरत थी भाभी जी? जरूरत थी पंडित जी, राधा हमारे लिए क्या दामिनी और केतकी से कम है? देख रही हो बहना, हमारी इस महान कादंबरी देवी एक और बच्चा गोद ले लिया इन्होंने, अपनी हरकतों से कोई बाज नहीं आने वाली है। लगता है हमारा नंबर तो इस घर में दुलारी के बाद लगेगा। कुछ भी हो भैया, बस राधा की शादी नहीं होनी चाहिए। जिस भी काम में दामिनी और कावेरी मसी खुश हो ना, समझ लो उस काम में हमारा नुकसान। इतनी खुशी हमें अपने खुद की सगाई में भी नहीं हुई थी। जल्दी से जल्दी उस ढाई फुट दूर की शादी हो जाए तो हमारा पिंड छूटे। सब कुछ प्लान के हिसाब से हो रहा है मम्मा, बस ये सगाई जल्द से जल्द हो जानी चाहिए। दरवाजा खोलो, कोई है? कौन कौन? दरवाजा खोलो। इशारा कर रही है? वो रही है कि बिल्कुल मेरी जैसी है, मतलब स्मार्ट है, सुपर इंटेलिजेंट है। उसका इशारे से मतलब ये था कि उसने वो क्या नाम है, हृदय को ठिकाने लगा दिए। ठिकाने लगा दिए मतलब? अबे मेरी बेटी है कोई गुंडी वैम्पायर नहीं है जो चाचे मार देगी। ठिकाने लगा दिए मतलब? तुम बाप बेटी की जोड़ी ना, कुछ भी कर सकते हो तुम दोनों। पता है, शो ऑफ। गुनगुन बेटा, हृदय कहाँ है? बोलो गुनगुन, बोलो। दामिनी, गुनगुन को कैसे पता होगा? हाँ जी, गुनगुन को कैसे पता होगा कि हृदय जी कहाँ है? राधा, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती है। बदमाशी नहीं गुनगुन, बता। मोहन, गुनगुन को तुम्हारी जरूरत है, जल्दी आ जाओ। बोलो गुनगुन, हृदय कहाँ है? आ गया था ये चपड़ गंजू। अरे दामिनी जी, गुनगुन को कैसे पता होगा कि हम कहाँ हैं? वो हम मंदिर गए थे, इतना बड़ा दिन है, शुभ मुहूर्त है, सोचा दर्शन कर ले। अरे माफ करना, आने में थोड़ी देरी हो गई, भीड़ बहुत थी मंदिर में। कोई बात नहीं बेटा, शुभ कार्य के पहले प्रभु के दर्शन करना तो बहुत अच्छी बात है। चलो आओ, रस्में पूरी करते हैं। जी
ये झूठ क्यों बोल रहे हैं? हाथ आगे करो बेटा, लाओ लाओ हम निकालते हैं। अरे ये तो सच में नहीं निकल रही है। माँ की ऐसी थोड़ी निकलेगी। नहीं लाइए दादी, मैं कर देती हूँ। हाँ हाँ, देखना देख देखा। लगता है सगाई की खुशी में राधा थोड़ी फूल गई है। परिंग तो निकालनी पड़ेगी। दुलारी मॉइस्चराइजर लेकर आना। अब निकल जाएंगे। इतनी जोर से क्यों खींच रही? राधा को पेन हो रहा है। नहीं गुनगुन, हम ठीक हैं। अबे इतनी जोर से खींच रही है, राधा की उंगली निकाल देगी क्या? दुलारी तेल लेकर। दामिनी क्या कर रही हो बेटा, धीरे से, देखो राधा को दर्द हो रहा है। पर माँ रिंग तो निकालनी पड़ेगी ना, वरना सगाई कैसे होगी? अरे ये दामिनी पागल होगी क्या? कितना दर्द हो रहा होगा राधा। दामिनी धीरे से, ये रिंग निकल क्यों नहीं रही है? ये चोट कैसे आई? हे प्रभु, ये क्या हुआ बेटा? इस चिपको को हर्ट करने का प्लान तो नहीं था, पर जो हुआ अच्छा हुआ। कुछ नहीं, वो बस बाथरूम के दरवाजे में हाथ आ गया था दादी। ओह माय गॉड, हाय बाकी पीआर जी, रिद्धि के हाथ में तो चोट लग गई और राधा के हाथ में से रिंग भी नहीं निकल रही। इतना बड़ा अपशगुन हो गया। हाँ अब तो लगता है सगाई कैंसिल ही करनी पड़ेगी। सो सैड। गुनगुन कोई बात नहीं छोड़ी सासू माँ, आप सैड मत होइए। चाहे कुछ भी हो जाए, ये सगाई तो होके रहेगी। और वैसे भी अंगूठी किसी भी उंगली में पहनाई जाए, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस रिश्ता जोड़ना चाहिए। पर बेटा अगर सगाई की अंगूठी सगाई की उंगली में नहीं पहनाई जाती तो सगाई संपन्न नहीं मानी जाएगी। अब अंगूठियां पहनाना तो लोक संसार की माया है पिताजी। अगर रिश्ता दिल से बन जाए तो क्या फर्क पड़ता है कि अंगूठियां किसी भी उंगली में पहनाई जाए।
सुविधा दीजिए। बिल्कुल बेटा, उंगली सही हो या गलत, अगर दिल मिल जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ठीक है, जैसी आप सबकी मर्जी। राधा बेटा, दूसरी उंगली में पहना दो। जी दादी। हाँ हाँ, पहना दो पहना दो। साचा दर्द मेरा मृग तृष्णा सा मोह पिया नाता मेरा तेरा नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं नैना जो मिलके रात जागते थे नैना शहर में पल के नीचते हैं जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम मिलके चलेंगे हरदम अब बांटते हैं ये गम भीगे नैना जो सांझे ख्वाब देखते थे नैना बिछड़ के आज रो दिए राधा की उंगली पकड़ रखी थी इसका मतलब समझ आ रहा है आपको? हाँ, वो राधा को नेल पॉलिश लगाना चाहती होगी। आपका दिमाग कभी काम नहीं करता है क्या? क्या हुआ बिटिया? तुलसी नहीं चाहती कि राधा की सगाई हृदय से हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो नहीं चाहती कि मोहन मुझसे शादी करे। हाँ। मैंने तो सोचा था कि तुलसी वाली प्रॉब्लम मैं आराम से सॉल्व करूंगी लेकिन नहीं, फिर से आ गई मेरे सर पे बैठने के लिए। वो काली बैठेगी नहीं सर पे, सर पे बैठ के तांडव भी करेगी। अरे बिटिया, अगर उसने ठान लिया है कि राधा की शादी नहीं होने देगी तो वो नहीं होने देगी। अब हम क्या करेंगे, क्या करेंगे हम? कुछ तो करना पड़ेगा लेकिन सबसे छुपा के, किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। फिर उससे पहले ये चोट तो छुपाऊं, कहीं आपकी प्यारी कद्दू ने देख लिया ना तो फिर से नया इशू हो जाएगा। वैसे भी आजकल वो बहुत राधा राधा कर रही है, तो ये तुलसी का भूत भी उनका फेवरेट ना बन जाए। ओह नो, कहीं तुलसी को हृदय का सच तो नहीं पता चल गया? कहीं तुलसी ने मुझे और हृदय को साथ में तो नहीं देख लिया? करी थी वहां पर? वो हम गुनगुन को कुछ बोल रहे थे। मतलब सो रही है? सोने के बाद अगर हम बच्चों के कान में कुछ कह देना तो वो बात सीधा उनके मन में जाकर अटक जाती है और फिर उठने के बाद वो बिल्कुल वही करते हैं जो कहा गया हो। हमने कह तो दिया कि गुनगुन मोहन जी से बहुत प्यार करती है, पर अब प्यार करवाना तो आपके हाथ में है बाकी बिहारी जी। और अब तो जानते ही है ना कि हमारे यहाँ से जाने से पहले गुनगुन और मोहन जी के रिश्ते में जो कड़वाहट है हमसे दूर करना है, वो भी कैसे भी। और हमारे पास अभी 3 हफ्ते नहीं, बस 2 दिन बचे हैं। अब आप भी कोई चमत्कार कीजिए प्रभु। क्या हो तुम राधा, और किस मिट्टी की बनी हो तुम?
कल तुम्हारी मेहंदी और तुम मेरे और गुनगुन के बारे में सोच रही। राधा तुम्हारा इस घर में रहना बहुत जरूरी है यार। तो कैसे कैसे रोको तुम्हें इस घर से जाने से? आपने वो पेपर देखा? नहीं, मुझे सपना आया था। तुम बेवकूफ हो क्या? ऑफ कोर्स मैंने वो पेपर देखा था। और आपने पढ़ा उस न्यूज़पेपर में क्या था? नहीं, इससे पहले कि मैं उसे पढ़ पाती, मम्मा की प्यारी कद्दू आ गई। कादंबरी। मम्मा, वैसे वो पेपर में क्या लिखा था? कुछ क्रिमिनल अपराध फरार, क्या था वो? नहीं, 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 नहीं। हम कहाँ कोई बड़ा अपराध कर सकते हैं? नैनीताल में बस एक छोटी मोटी सी चोरी की थी, बस और कुछ नहीं। ये न्यूज वालों को तो काम होता है बड़ा चढ़ा करके आना, बड़े बेईमान लोग होते हैं। अब हम ठहरे छोटे मोटे से चोर जिन्हें आप चलते फिरते डरा देती हैं। हम कहाँ ही इतना बड़ा अपराध करेंगे? और किसी भी कीमत पर वो पेपर किसी और के हाथ नहीं लगना चाहिए, वरना मेरा पूरा प्लान बर्बाद हो जाएगा। Get it? चलिए मम्मा, समझा दीजिए इसे। टेंशन की कोई बात नहीं है दामिनी जी, पेपर अभी तक मिला नहीं, जरूर घर के बाहर चला गया होगा दूसरे कचरे के साथ। जब तक वो पेपर मैं अपने हाथ से ना जला दूं, ये टेंशन की बात है और रहेगी भी। क्या हुआ बिटिया? दादी, कुछ अजीब सा लग रहा है, कुछ ठीक नहीं लग रहा। मन भी अच्छा हो जाएगा और सब कुछ अच्छा भी लगने लगेगा। बस एक बार तेरे हाथ में मेहंदी लग जाए फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुझे शादी की उत्सुकता हो रही है। कर रही हो तुम? दुल्हन मेहंदी की रस्म के लिए आ रही है और तुम उसके सामने कचरा फेंक रही हो, क्या तरीका है ये? मोहन भैया ने कमरे में झाड़ू लगाने के लिए कहा इसलिए। फटाफट ये कचरा उठाओ और ऊपर का कॉरिडोर साफ करो। जी सॉरी। कल तो किसी तरह से राधा की सगाई रोक ली, पर आज राधा के हाथों पर हृदय के नाम की मेहंदी लगने से कैसे रोकूं? की शादी हो रही है क्यों? और आप कुछ क्यों नहीं कर रहे? गुनगुन बच्ची होकर इस शादी को रोकने के लिए लगी हुई है और आप हैं जो हाथ पर हाथ रखकर बैठे हुए हैं। क्यों? आप ये मत समझना कि मैं स्वार्थी हूं। हाँ हाँ, मुझे राधा में गुनगुन की माँ दिखती है, लेकिन जब तक आपने मुझे इशारे नहीं दिए थे ना, तब तक मैंने राधा को मोहन की पत्नी के रूप में कभी नहीं देखा। तो फिर आप अपनी बातों से ऐसे कैसे पीछे हट रहे हैं? मैंने आज तक आपने जितने इशारे दिए सब पर विश्वास किया। प्लीज प्लीज मेरे विश्वास को ऐसे झूठा साबित मत होने दीजिए। प्लीज किसी भी तरह से राधा और हृदय की शादी मत होने दीजिए। Thank you.
इसकी भगवत गीता और बाकी बिहारी जी के बिना कोई रस्म पूरी हो सकती है भला? मेहंदी चल रही है, कोई बारा थोड़ी ना आई है जो ढोल बजा बजा के पूरे घर को सिर पे उठा लिए। कैसे बंद करो, ये तो शादी का अवसर है। मैं इस घर से चली गई तो घर बहुत सूना सूना हो जाएगा। क्या ही कर सकते हैं यार। अच्छा है, ऐसे ही अपने परेशानी से भागते रहो। ना अपने खुशी के लिए कुछ करोगे और ना ही राधा की। गुनगुन को देखो, उसने अभी तक हार नहीं मानी, अभी भी शादी रोकने में लगी हुई है। ये फोटो किसने पलट दी? हवा चल रही है ना, खिड़की खुली है तो फिर मैंने की ताकि तुम्हारा ध्यान जाए। तुमसे क्या छूट रहा है मोहन? में आ की मात्रा रा, ध ध में बड़ी की मात्रा धी, अ अ र धी, अपराधी। अपराधी का मतलब क्या होता है? सर्च करती अपराधी मीन निंग इंग्लिश। मतलब रिद्धि क्रिमिनल है? हेल्प करने के लिए थैंक यू बाकी बिहार जी। राधा ने सही कहा था, आप किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे सकते हैं। मैं सबको बता दूंगी कि रिद्धि क्रिमिनल है, फिर राधा की शादी रिद्धि से नहीं होगी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।